दोस्तों नमस्कार, पांडे टूरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर, जो कि मैं आपको डेली डेट बाई डेट करंट अफेयर प्रोवाइड करूंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा 21 अप्रैल 2018, जो कि आज का करंट अफेयर जितने भी हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में, उसको एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि डेली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं करंट अफेयर में आपको जो भी करंट में अभी हुआ है वो उसके एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊँगा, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि रेलवे एग्जामिनेशन में, एसएससी में और बैंकिंग एग्जामिनेशन में आता है। तो आप डेली 10 मिनट का टाइम निकाल के इस वीडियो को देखें। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, डेली मैं प्रोवाइड करूंगा। आज 21 अप्रैल है, मैं डेली प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पहला इवेंट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में तेलुगु भाषा अनिवार्य की गई है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि तेलुगु भाषा जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तो दो स्टेट में, एक स्टेट में है, तो वो है तेलंगाना, जो कि सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा क्या किया है, अनिवार्य कर दी गई है, जो कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कितने उपग्रह का समूह है? एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये 7 उपग्रहों का समूह है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल सकता है कि 7 उपग्रहों क्या कौन कौन से है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, जिसका IRNNSS है। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अमेरिका आधारित GPS रूप के ग्लोनस और गोलिये के समक्ष भारत द्वारा स्वदेशी एवं तौर पर विकसित एवं स्वतंत्र उपग्रह आधारित प्रणाली है। इसे NAV-5 नेविच भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन के नाम से दिया गया है। नेविच प्रणाली 7 उपग्रहों का समूह है, अर्थात IRNSS-1, IB-1C, 1D-1E, 1F-1G। कभी कभी दोस्तों नाम भी आ सकता है, तो आप एक बार नाम भी याद रखते हैं, IRNSS-1, I-1B-1C, 1D-1E, 1F-1G, जिसमें से 3 भूपतियां हैं और 4 जियोस्टेशनरी है। यह विशेषकर देश की सीमाओं के आसपास के 1500 किलोमीटर क्षेत्र में वास्तविक स्थिति के 20 मीटर के स्थित भीतर स्थान की ट्रैकिंग प्रदान करता है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है। भारत ने किस देश से 129.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बनाने का समझौता किया है? वो देश है बांग्लादेश। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के साथ 129.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के लिए समझौता किया है। यह समझौता 19 अप्रैल 2018 को हुआ है। क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर तक की पाइपलाइन बनाने की समझौता हुआ है, तो वो है 129.5 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको मल्टीपल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट के थ्रू हमें बताएं। यह तेल पाइपलाइन सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक होगी। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो समझौता हुई है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो होगी सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक होगी। यह समझौता भारत के विदेश सचिव केशव गोखले और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद शहीदुल हक के बीच हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि जो समझौता हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ, या भारत के विदेश सचिव का नाम पूछ सकता है, तो उसका विदेश सचिव का, भारत के विदेश सचिव का नाम है सचिन केशव गोखले और बांग्लादेश के विदेश सचिव का नाम है सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन हक के बीच हुआ। इसमें बांग्लादेश को हर साल 10 टन
तेल की आपूर्ति की जाएगी। तो दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जो भी इवेंट से रिलेटेड होते हैं, वैसे ही मंत्री के नाम पूछे जाते हैं। तो विदेश क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत का विदेश सचिव का नाम क्या है, तो भारत का विदेश सचिव का नाम है सचिन केशव गोखले। और आ सकता है कि बांग्लादेश का विदेश सचिव का नाम क्या है, तो बांग्लादेश का विदेश सचिव का नाम है सचिव मोहम्मद शहीदुल। कॉमनवेल्थ फंड में किस देश ने 20 लाख पाउंड दिए हैं, अमेरिका, जापान, भारत? तो वो है आंसर भारत। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। मोदी ने भारत की ओर से फैसले लेते हुए कहा कि भारत की ओर से कॉमनवेल्थ फंड में 20 लाख पाउंड तक का तकनीकी सहयोग देने के लिए दिए गए हैं। हाल में ही किस राज्य के गांवों को बागवानी गांव के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की गई है? बागवानी गांव, हरियाणा के गांव को बागवानी गांव के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की गई है। यह योजना 2030 तक बागवानी फसलों का उत्पादन 3 गुना करने का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन एक और बन सकता है कि जो हाल में ही हरियाणा राज्यों को बागवानी गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है, उसका जो योजना कब तक कंप्लीट होने की टारगेट बनाई गई है, वो 2030 तक बनाई गई है। रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी परियोजना में भारतीय कंसोर्टियम एंड सऊदी तेल कंपनी अमरको का वित्तीय सहयोग प्रतिशत तय है। तो जो वित्तीय प्रतिशत तय है वो क्या है, वो 50.50 मीन्स हाफ एंड हाफ। तो अप्रैल 2018 में IOCL, BPCL और HPCL ने मिलकर भारतीय कंसोर्टियम के रूप में सऊदी तेल कंपनी अमरको के साथ रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी महाराष्ट्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पूरा होने पर प्रतिदिन 12 लाख बैरल कच्चे तेल के स्फुरन के लिए सक्षम होगी। यह परियोजना भारत और सऊदी अरब के कंसोर्टियम के बीच 50-50% संयुक्त भागीदारी के रूप में स्थापित की जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2025 तक पूर्ण होने की अपेक्षित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आप कब तक कोई भी परियोजना के रिलेटेड पढ़ते हैं तो वो कब तक कंप्लीट होने का है, तो वो भी डेट आप दिमाग में रखें। अप्रैल 2018 में जल ATM नीति लागू करने वाला राज्य कौन है, वो है राज्य हरियाणा। अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के क्रम में हरियाणा जल ATM नीति को लागू करेगी। इसके तहत शहरी क्षेत्र के भीतर 400 मीटर की अधिकतम दूरी पर जल ATM की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके तहत बस स्टैंड, पार्क, रेलवे स्टेशन, पार्किंग क्षेत्र, बाजार का चयन नगर पालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। साथ ही संबंधित जल ATM का संचालन नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। तो ये हरियाणा पहला राज्य होगा जो अपने राज्य में हरियाणा जल ATM नीति लागू करने के लिए जा रहा है, जिससे गर्मियों में काफ़ी राहत होगी सभी को, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो आप इस तरह से हरियाणा राज्य को याद रख सकते हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत केंद्र सरकार की किस आयु वर्ग के बच्चों को नियमित प्रतिरक्षण सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो वह है 2 वर्ष का। तो केंद्र सरकार ने मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए मिशन इंद्रधनुष, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्र सरकार ने मातृ और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या मिशन स्टार्ट किया है, उस मिशन का नाम क्या है, वो है मिशन इंद्रधनुष। कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके तहत केंद्र सरकार 2 वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे को और सभी गर्भवती महिलाओं को नियमित प्रतिरक्षण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हाल में ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर में 2018 तक 90% से अधिक के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज के लिए त्रिव मिशन इंद्रधनुष IM शुरू किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 21 अप्रैल के मैं कल कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज 21 अप्रैल को न्यूज़ में आएगी तो उसका न्यूज़ बना के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 22 अप्रैल को वीडियो में। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे रेलवे एग्जामिनेशन SSC के एग्जामिनेशन के रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ।
करंट अफेयर मैं डेली प्रोवाइड करूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।